हे गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने एक नई सीरीज शुरू की है फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स के लिए। और उस सीरीज के दोस्तों फर्स्ट एपिसोड के अंदर हमने बात की थी कि आप अपने पेरेंट्स को डॉग लेने के लिए कैसे कन्विंस कर सकते हैं। और आज दोस्तों उसी सीरीज के सेकेंड एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कि आखिर एक डॉग पे पर्टिकुलर कितना एक्सपेंडिचर होता है। क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर है दोस्तों, उन्होंने एक नीचे कहानी कॉमेंट की थी जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि उनका एक फ्रेंड था जो कि एक डॉग लेके आया था, बट कुछ समय बाद में जब उसका एक्सपेंडिचर वो फ्रेंड बेयर नहीं कर पाया तो उसने उस डॉग को अबेंडन कर दिया। तो दोस्तों, मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा कि मैं आप सभी को ये चीज बताऊं कि आखिर आपको एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है आपके डॉग के ऊपर। क्योंकि ये चीज हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए, उसके बाद में ही हमारा जो डिसीजन है डॉग लेने का वो बिल्डअप होना चाहिए। क्योंकि ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, अगर हम उसका एक्सपेंडिचर बेयर नहीं कर सकते तो कुछ समय बाद में दोस्तों वो डॉग हमें एक बोझ लगने लगता है फैमिली मेंबर की बजाय। तो ऐसा आप सबके साथ ना हो, इसलिए मैं भी मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, मैं इस वीडियो को बहुत ही बेसिक से शुरू करूंगा। जब हम एक डॉग लेने जाते हैं तो दोस्तों हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं। या तो हम हमारे फ्रेंड से फ्री ऑफ कॉस्ट एक डॉग ले लें, या फिर हम उसको अडॉप्ट करें, या फिर तीसरा ऑप्शन जो बहुत ही कॉमन है वो होता है कि हम एक डॉग को परचेस करें। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें डॉग अडॉप्शन की, तो हो सकता है आप एक स्ट्रीट डॉग लेके आए, बट जो एक्सपेंडिचर दोस्तों आपका रहने वाला है वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। हाँ, फॉरेन ब्रीड के मुकाबले दोस्तों स्ट्रीट डॉग्स के अंदर आपका एक्सपेंडिचर बहुत कम होगा, बट यहाँ पे मैं एक मिला जुला आपको पूरा बताने वाला हूँ कि आखिर कितना एक्सपेंडिचर आपको पूरे साल भर या पूरी उसकी लाइफ बियर करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं यही केस मान के चल रहा हूँ कि आपने वो डॉग पेमेंट दे के ही परचेस किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा पूरा वीडियो रहने वाला है। तो हमारी कहानी शुरू होती है दोस्तों उस डॉग की परचेजिंग कॉस्ट से, आप उसको भी इंक्लूड करके चलिए। इसमें अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं दोस्तों, हो सकता है आपने उसके 10,000 पे किए हों, हो सकता है आपने उसके 25,000 दिए हों, या फिर हो सकता है आपने उसके 1,00,000 दिए हों। तो ये बहुत ही वेरिएबल कॉस्ट है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप साइड में रख के चलिए कि आपका इतना एक्सपेंडिचर तो ऑलरेडी हो चुका है जब आपने उस डॉग को परचेज किया। अब आते हैं दोस्तों डॉग के परचेसिंग के बाद के एक्सपेंडिचर्स पे। तो दोस्तों जहां से आप डॉग लेते हैं तो सबसे पहले आपको यही सजेशन दिया जाता है कि आप सबसे पहले एक डॉग की लीश लीजिए, उसके बाद में आप एक कॉलर लीजिए, उसके बाद में मल्टी विटामिंस लीजिए, उसके बाद में आप कैल्शियम लीजिए, या फिर आपको दोस्तों डॉग फूड्स के भी रिकमेंडेशन दिए जाते हैं कि ये वाला डॉग फूड आप खिलाइए, आप सेरेलेक दीजिए। तो उनकी भी कॉस्ट दोस्तों अगर लगभग मैं देखूं तो कॉलर 250-300 रुपए तक आ जाती है दोस्तों, अगर लीश की बात करें तो 400-450 के बीच में आ जाती है। आप इन सबको कैलकुलेट करते रहिएगा कि आपकी डॉग की कॉस्ट क्या थी और उसके बाद में ऑलमोस्ट कितना आप उसके डॉग्स के एक्सेसरीज के ऊपर स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड है दोस्तों फूड। अब फूड एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, हो सकता है हम फूड के अंदर रॉयल कैनाइन खिलाएं, या फिर हो सकता है हम ड्रूल्स का कोई स्टार्टर पपी दें, या फिर किसी भी तरीके का, या फिर किसी भी कंपनी का, किसी भी ग्रेड का हम फूड काम में ले सकते हैं। तो ये कॉस्ट दोस्तों आपकी वेरी करेगी 2000 से लेकर 6,000-7,000 रुपीस तक पर मंथ की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। और इसके पीछे दोस्तों एक रीजन ये भी है कि आपकी जो डॉग की साइज है, उसकी जो डाइट है वो कितनी रहने वाली है, तो आपका जो फूड का खर्चा है दोस्तों वो उस पर कंप्लीटली डिपेंड करेगा। अगर आपके घर में एक लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है तो डेफिनेटली उसकी जो डाइट है वो एक स्मॉल साइज की डॉग ब्रीड से हैवी रहने वाली है, ज्यादा रहने वाली है। तो जो आपका फूड एक्सपेंडिचर है वो ऑब्वियसली बात है वो स्मॉल ब्रीड के मुकाबले थोड़ा ज्यादा हैवी होगा, काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर आपको फूड के ऊपर करना पड़ेगा। ये तो बात हुई दोस्तों कि आपने पपी परचेस कर लिया, उसकी एक्सेसरीज ले ली, उसका फूड ले लिया। अब आते हैं दोस्तों वैक्सीनेशन का खर्चा, जो कि वेरी करता है दोस्तों 2,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए के बीच में। ये आपके वेट डॉक्टर पर डिपेंड होता है दोस्तों कि वो कितना आपसे चार्ज करता है। अगर आप किसी सरकारी अस्पताल से लगाते हैं तो हो सकता है आपको बहुत सस्ते में पड़ जाए वो चीज, अगर आप एक प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको थोड़ा बहुत महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा सरकारी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो डॉग्स के बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस के अंदर भी बहुत तरीके की बीमारियां होती हैं, डॉग्स के अंदर भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और उनको भी दोस्तों जनरली सर्दी जुकाम खांसी ये चीज़ें चलती रहती हैं, उनमें टिक फीवर भी होता है, उनमें
में टिक्स की भी प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए अलग से हमें शैम्पू परचेज करने पड़ते हैं, उनको नहलाने के लिए हमें शैम्पूओं पे भी खर्चा करना पड़ता है, और बहुत सारी एक्सेसरीज होती हैं दोस्तों अगर आप नेल्स घर पे नहीं काट सकते। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों मार्केट की, तो मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 200 रुपये तक लोग चार्ज करते हैं नेल्स ट्रिमिंग के, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर रहने वाला है। हाँ, मैं ये चीज़ मानता हूँ कि आपको 2 महीने में 1 बार 3 महीने में 1 बार ये एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, बट स्टिल आपकी 3 महीने की भी अगर आप 200 रुपये की कॉस्ट मान के चलते हैं तो आपको उसको भी कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि इसको आपको पे करना ही पड़ेगा अगर आपको नेल्स घर पे ट्रिम नहीं करने आते तो। और रिकमेंडेशन दोस्तों यही रहेगी कि आप प्लीज़ एक्सपेरिमेंट ना करें, अगर आपको नहीं आता है तो आप 200 रुपये के चक्कर में अपने डॉग को परेशान मत करना। अगर ब्लीडिंग शुरू हो गई तो काफ़ी मुश्किल होती है उस ब्लीडिंग को रोकना, तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने वेटनरी के अंडर में ही ये सारी चीज़ें करें, या फिर किसी एक्सपर्ट के अंडर में ही ये सारी चीज़ें करें और उनसे सीखने की कोशिश करें। अब बात करें दोस्तों अलग अलग बीमारियों की, तो जैसा आपको पता है दोस्तों सर्दी के अंदर अगर हमारे डॉग को सर्दी हो जाती है या फिर उसे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती है तो हमें उसको ड्रिप चढ़वानी पड़ती है, जो कि ऑलमोस्ट 500 टू 800 तक वेरी करती है एक एक ड्रिप, और आपको हो सकता है ऑलमोस्ट दोस्तों उसको 3 से 4 दिन कंटिन्यू कराना पड़े विद डॉक्टर्स फीस। तो आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी एक ज़्यादा एक्सपेंडिचर आपके लिए रहने वाला है। और जो पर्सनली मुझे चीज़ें फेस हुई थी दोस्तों, एक तो था ड्रिप का खर्चा, जो कि मेरी जो लारा है उसे दोस्तों कोल्ड हो गया था तो उसे मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा और मुझे 3 से 4 दिन का सेशन रखना पड़ा उसको ड्रिप चढ़वाने के लिए। उसमें बिल्कुल उसने फूड नहीं लिया, वो लिक्विड पे ही थी कम्प्लीटली, और उसके बाद में दोस्तों मेरे साथ एक काफ़ी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, जो कि थी दोस्तों लारा को एक सिस्ट हो गई थी, जिसे हम आम भाषा में दोस्तों एक फोड़ा टाइप बोलते हैं, जिसके अंदर मवाद भर जाती है, तो उसके गर्दन साइड में दोस्तों वो चीज़ हो गई थी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बर्फ़ की तासीर गर्म होती है, तो मैंने उसे दोस्तों बर्फ़ के द्वारा सेक करने की कोशिश की, मैंने इस चीज़ को फॉलो किया 5 से 6 दिन तक, बट उस सिस्ट का कोई इलाज नहीं हो पाया, इस वजह से दोस्तों मुझे उसे ऑपरेट कराना पड़ा। और जो हमारे यहाँ के डॉक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जेन्युइन हैं, उन्होंने मुझे उस ऑपरेशन के 10,000 रुपीज चार्ज किए, और उसके बाद में दोस्तों जो उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया, मैं उस चीज़ से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ऑपरेट किया उन्होंने उसे ढंग से क्लीन नहीं किया, जो डेड टिश्यू था जिसकी वजह से वो सिस्ट डेवलप हो रही थी वो वापस एक बार डेवलप हो गई उसके पूरे स्टिचेस वगैरह हटाने के बाद में। तो दोस्तों इस बार जब मैं डॉक्टर के पास उसे वापस लेके गया तो उस महान व्यक्ति का मेरे पास यही रिप्लाई था कि भाई जो पहले थी मैं उसको हटा दिया, अगर दोबारा होती है तो इस चीज़ की मेरी गारंटी नहीं है। और दोस्तों मजे की बात तो ये थी कि वो सिस्ट उसी सेम जगह वापस फॉर्म हुई थी जहां पे वो ऑलरेडी हमने ऑपरेट करवा लिया था उसका। तो आप देख सकते हैं दोस्तों लूटने वाले लोग लूटने का कोई भी जरिया निकाल लेते हैं। इनफैक्ट दोस्तों जब उसको मैंने स्टिचेस खुलवाने के लिए गया था तो उन्होंने मेरे से अलग से एनेस्थीशिया के भी चार्जेस लिए थे, और उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली थी कि मैं स्टिचेस निकालने के लिए 3,000 लेता हूँ एनेस्थीशिया दे के, बट मैं आपसे सिर्फ 2,000 लूँगा। तो आप सोच सकते हैं ओवरऑल जो मुझे उसकी कॉस्ट पड़ी थी दोस्तों वो लगभग पड़ी थी 12,000 की। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों ये एक बहुत ही मेजर एक्सपेंडिचर था मेरे लिए, और उसके बाद में भी वो सिस्ट ठीक नहीं हुई, तो उसका मुझे दोस्तों जो देसी इलाज मिला वो यही था, मैं उसके कंटिन्यूसली बर्फ़ का सेक करता रहा, और ऑलमोस्ट दोस्तों 10 दिन तक मैंने ये चीज़ करी। मैं दिन के अंदर 5-5 बार ये चीज करता था, इनफैक्ट मैं रात को 9-9 बजे तक भी उसके पास बैठा रहता था, उसको बर्फ पे सेक करता था, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा हार्ड टाइम था। और भगवान की दया से दोस्तों उसका खाना पीना एकदम अच्छे से चल रहा था, तो मुझे इस चीज की टेंशन नहीं थी कि वो फूड नहीं ले रही है, बट हाँ एक पीड़ा तो होती है दोस्तों बच्चे को। और दोस्तों फिर लोगों ने मुझे ये चीज़ भी डरा दी कि हो सकता है ये ट्यूमर हो, तो इसमें भी मुझे काफ़ी ज़्यादा एक शॉक लगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा सैड फील हुआ कि अगर ये ट्यूमर हुआ तो लारा का क्या होगा और मेरा क्या होगा। तो मुझे उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मैं सैड था, नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा थी मेरे अंदर, और उस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी टेंस भी था, और शायद इसी टेंशन का दोस्तों फ़ायदा उस डॉक्टर ने भी उठाया और 10,000 रुपीज़ चार्ज किए। मैं नहीं मानता कि एक नॉर्मल से सिस्ट के ऑपरेशन के 10,000 रुपीज़ तक भी चार्ज करने बनते हैं, बट यही बात है दोस्तों जिसको समझ नहीं होती। और अगर आसान भाषा में बोलूँ तो दोस्तों यही चीज़ें जो लोग शौक रखते हैं उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता, बट मेरे भाई ये चीज़ भी गलत है कि शौक सिर्फ अमीर लोग रख सकते हैं, डॉग पालने का अधिकार सिर्फ अमीरों का है, ये चीज़ गलत है मेरे भाई। और मैंने बहुत सारा स्ट्रगल किया है लारा को अपने साथ रखने के लिए, और आज भी मैं उसके लिए बहुत सारा स्ट्रगल करता हूँ। आज भी दोस्तों आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे अच्छे वेटनेरियन डॉक्टर्स मिलते हैं, बट जहाँ पे दोस्तों अच्छाई होती है वहाँ पे बुराई भी होती है, कुछ लोग अच्छे हैं तो कुछ लोग बुरे भी हैं, चाहे वो ब्रीडर की बात करूँ या फिर मैं बात करूँ दोस्तों डॉक्टर्स की, तो आपको हमेशा ये एक तालमेल देखने को मिलेगा अच्छाई का और बुराई का।
तो दोस्तों ये आपकी किस्मत ही कहूँगा कि आपको एक अच्छा व्यक्ति मिलता है या फिर आपको एक बुरा व्यक्ति मिलता है। हर ही जगह दोस्तों दोनों ही लोग अवेलेबल होते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किसकी तरफ जाते हैं। मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी कि मैं उस डॉक्टर के पास चला गया और इतना पैसा स्पेंड करने के बाद में भी दोस्तों मुझे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। ये दोस्तों इंसिडेंट मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपको एक चीज़ का आइडिया लग जाए कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो महीने का 3 से लेकर 8 हज़ार तक भी हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों जब एक्सपेंडिचर की बात आती है तो ये आप पे डिपेंड होता है दोस्तों कि आप उसमें महीने के 5 हज़ार खर्च करना चाहते हैं या फिर महीने के 1 लाख रुपये खर्च करना चाहते हैं। वो आपका बच्चा है, आप ये डिसाइड करेंगे कि आप उस पर कितना पैसा स्पेंड करना चाहते हैं। बट मिनिमम साइड में दोस्तों आपको 5 हज़ार रुपये मंथली तो एक डॉग पे स्पेंड करने ही पड़ेंगे और उसके साथ साथ दोस्तों आपको टाइम भी डेडिकेट करना पड़ेगा। तो किसी के भी देखा देखी में दोस्तों डॉग ना लें, उन्हें बाद में जाके अबेंडन करने की सिचुएशन बने, उससे पहले है कि आप समझदारी बरतें। अगर आप एक लार्ज साइज़ का डॉग लेने जा रहे हैं तो आप ये एक्सपेंडिचर के हिसाब से देख लीजिए कि आपको मंथली कितना स्पेंड करना पड़ेगा, पहले आप ये चीज़ कैलकुलेट करिए। पपीज़ तो दोस्तों कोई सी भी ब्रीड हो सभी के क्यूट लगते हैं और जो बाद में निखर के आती है ब्रीड दोस्तों ऑब्वियसली बात है लार्ज साइज़ है, स्मॉल साइज़ है, सभी की अपनी अपनी पसंद होती है। बट एक वाइज डिसीजन लीजिए कि आपको एक्सपेंडिचर किस पे ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आप दोस्तों इस चैनल पे बने रहिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर दीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के आपको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल सकें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही और दोस्तों मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप एक बहुत ही रैशनल इंसान है और बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, एक बहुत ही अच्छे डिसीजन मेकर हैं आप। तो प्लीज़ आप डॉग लेने से पहले उसका खर्चा कैलकुलेट करिए और उसके बाद में ये चीज़ देखिए कि क्या आप इतने कैपेबल हैं कि अपने फैमिली का खर्चा निकालने के बाद में इतना ज़्यादा उस डॉग के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि डॉग दोस्तों एक फैमिली मेम्बर है तो उसका खर्चा भी ऑलमोस्ट फैमिली मेम्बर जितना ही होता है। आपको उसे स्पेशल डाइट देनी ही पड़ेगी। फिर वही बात होती है दोस्तों, हमें उन डॉग से प्यार ही इतना होता है कि हम उन्हें वीकली या फिर वीक के अंदर 2 बार उसको चिकन खिला ही देते हैं, जिसका अलग एक्सपेंडिचर है। जो तो दोस्तों वही बात है, गाड़ी लाडी मकान और डॉग, जितना आप इन पे खर्च करना चाहें उतना आप कर सकते हैं और इसका कोई भी अंत नहीं है कि आप कितना इन पे एक्सपेंडिचर कर पाएंगे। अगर आप मार्केट में किसी भी तरीके का प्रोडक्ट मांगने जाएंगे इनके लिए वो सारे चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। ये आपकी कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। अगर आप एक वाइज पर्सन हैं तो आप डेफिनेटली सबसे पहले खर्चा ही कैलकुलेट करेंगे, और क्योंकि उस डॉग को दोस्तों आपको 14 साल तक अपने साथ रखना है और किसी एक पर्सन का 14 साल तक एक्सपेंडिचर उठाना कोई छोटी बात नहीं है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अलग से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको एक डॉग लाने के बाद में उस पर मंथली अप्रोक्सीमेटली 5,000 तो स्पेंड करने ही पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप उसके अलावा कुछ करते हैं तो दोस्तों वेल एंड गुड है, आप इसका कोई ऑल्टरनेट निकाल लेते हैं। बट ऑब्वियसली बात है दोस्तों, अगर आप किसी भी नए सदस्य को अपने परिवार में लेके आते हैं तो वो खाना भी खाएगा, वो बीमार भी होगा, वो हर चीज़ करेगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, नीचे कॉमेंट कीजिए। अगर आपको भी ऐसे कोई डाउट्स हैं या फिर मैं इस वीडियो में कुछ ऐसा बताना भूल गया जो आपके लिए जानना ज़रूरी था तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। वरना आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं डायरेक्ट। मैं डीएम्स का रिप्लाई दोस्तों कमेंट से थोड़ा फ्रीक्वेंटली दे देता हूँ क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।